कनाडा के शहर लावाल में सिटी बस डे केयर सेंटर से टकरा गई, जिसके नतीजे में दो बच्चे हलाक हो गए। कैनेडा की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि हादसे में डे केयर सेंटर के 6 बच्चे जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजूहात मालूम की जा रही है और ये कहना कबल इस वक्त होगा कि ड्राइवर ने ये अमल जानबूझ कर किया है या नहीं। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। गैरमुल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम में जलजिले के 22 अहमद इद्रीस नामी शख्स का पूरा खानदान उजड़ गया। अहमद खानदान के 25 अफराद की लाशों को देखकर गम और सदमे से निहाल है। शाम में जलजिले के 22 एक ही खानदान के 25 अफराद जहाँ बहक हो गए। इनका घिराना 2012 में जंग से बेघर होने के बाद शाम के शहर सराब पर मुंतकिल हुआ था। अहमद इद्रीस ने गैरमुल की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने अपनी बेटी, दो बेटे, पोते और नवासों समेत एक बड़े खानदान को खो दिया। हम अपने और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ महफूज पनाह तलाश करने आए थे, लेकिन आखिर में यहाँ किस्मत ने हमें किस तरह पकड़ लिया। भारत के बाद फ्रांसीसी किसान भी हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ ट्रैक्टर लेकर एहतजाज पर निकल आए। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में मुजाहरे के दौरान किसानों ने ज़राअत पर माहौलियाती कवायद की पाबंदियां मुस्तरद कर दी। इनका कहना है कि इन पाबंदियों से पैदावारी सलाहियत मुतासर होगी। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा ज़रूरी मुल्क है, जहाँ किसान बड़ी मकदार में कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत ने बहुत सी अद्वियात पर माहौलियाती कवायद के तहत पाबंदियां लगा दी हैं। फ्रांसीसी किसान पाबंदियों के खिलाफ पेरिस की सड़कों पर ट्रैक्टर समेत निकले और सदर मैक्रोन की पॉलिसियों पर एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि हुकूमती पाबंदियों से किसानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा।